नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे गार्डन के फूल दिखा रहा हूं। देखिए कौन कौन से फूल मेरे गार्डन में खिले हुए हैं। शुरुआत करते हैं वर्बिना के इन सुंदर फूलों से। देखिए इनके फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। छोटे छोटे गुच्छों में ये फूल खिलते हैं। गुलदाउदी के फूल तो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अब मैंने ये गार्डन में गजनिया के पौधे ऐड कर लिए हैं। इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। पिछले साल भी मैंने इनके ये पौधे ऐड किए थे, मगर बहुत अधिक गर्मी के मौसम में ये पौधे सूख गए थे। पिछले साल मैंने इन पौधों को नीचे ज़मीन में लगा दिया था और मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में ये पौधे सूख गए थे। अब की बार मैंने इन सभी पौधों को गमलों में लगाया है और जब बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी तो मैं इन पौधों को छायादार लोकेशन में शिफ्ट कर दूँगा। गुलदाउदी की फ्लावरिंग भी अब सूख रही है और जब इनके फूल मुरझा जाते हैं तो इनको काट देना है, और यदि आप दोबारा से फ्लावरिंग चाहते हैं तो इनके फूलों को ही काटना है। और यदि आप ये चाहते हैं कि अब हमें इनसे फूल नहीं लेने हैं और नेक्स्ट सीजन ही फ्लावरिंग चाहिए, तो आप इनकी ब्रांचेज को नीचे ज़मीन से ही काट दीजिए। बिगोनिया के दो पौधे मैंने लगा लिए हैं और दोनों के पत्तों का कलर अलग अलग है और इनके फूलों का कलर तो एक जैसा ही है। डायन्थस के मैंने तीन पौधे लगा लिए हैं और तीनों डिफरेंट कलर के फूलों वाले हैं और इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक साथ छोटे छोटे फूल गुच्छों में खिलते हैं और ये पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। देसी वैरायटी के दो कलांचों के पौधे मैंने गमलों में लगा रखे हैं और देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इन पौधों में फ्लावरिंग थोड़ी लेट होती है, मगर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इनमें होती है। डायन्थस का ये पौधा देखिए, इनके छोटे से पौधे में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और मई जून तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। फ्लावरिंग प्लांट्स को जब हम डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख देते हैं तो इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। मैंने इन सभी पौधों को ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पूरे दिन भर की सनलाइट मिलती रहती है। इनमें से दो पौधे ऐसे हैं जिनको बहुत ही कम सनलाइट की आवश्यकता होती है। बिगोनिया और कलांचो, ये दो पौधे ऐसे हैं जिनको आप कम सनलाइट वाली लोकेशन में भी रखते हैं तो भी इनमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। सर्दियों के फूलों वाले पौधों से मई लास्ट तक फ्लावरिंग ली जा सकती है। गुलदाउदी के पौधों में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, मगर ये फ्लावरिंग जनवरी लास्ट तक रुक जाती है। उसके बाद ये पौधे सूखने लगते हैं। गुलदाउदी के पौधों में जब सभी फूल सूख जाते हैं तो उसके बाद आप इनकी सभी सूखी हुई ब्रांचेज को भी काट दीजिए। यदि आप ऐसा करोगे तो इनके नीचे से नई नई ब्रांचेज अधिक निकलेंगी और ये पौधा घना बन जाएगा। ये पौधा देखिए दोस्तों, ये है हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा। पिछले साल मैंने इसको ऐड किया था और अब देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। जब मैंने इसको लगाया तो ये छोटा सा पौधा था। पिछले साल मैंने इसकी कटिंग काट कर नहीं लगाई। अब की बार बरसात के सीजन में मैं इस पौधे से कई कटिंग्स लगाने वाला हूँ। साल्विया के भी मैंने दो पौधे लगा लिए हैं और ये रेड कलर के बहुत ही सुंदर फूलों वाले पौधे हैं। इन पौधों में एक लंबी फ्लावरिंग स्टेम होती है जिनके नीचे के फूल झड़ जाते हैं और नए नए फूल बनते रहते हैं। जब इस फ्लावरिंग स्टेम के सभी फूल झड़ जाते हैं तो ये एक स्टिक सी दिखाई देती है। हमें इस स्टिक को काट देना है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये पौधे मैंने पिछले साल ही लगाए थे और कटिंग से देखिए कितने हेल्दी पौधे तैयार हो गए हैं और अब की बार इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। मैं अपने गार्डन में ऐसे ही पौधे ऐड करता हूं जिनको कटिंग से लगाना आसान हो और बार बार नर्सरी से हमें ये पौधे ना खरीदने पड़े। डायन्थस का ये पौधा देखिए दोस्तों, रानी कलर के इसमें बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। डायन्थस के पौधों में हमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं। कैलेंडुला का ये पौधा देखिए दोस्तों, इसमें पीले कलर के बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। छोटे से पौधे में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। गजनिया का ये पौधा देखिए, इसमें पीले कलर का कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। कलांचो के ये पौधे देखिए दोस्तों, इनमें कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये हाइब्रिड वेराइटी वाले कलांचो के पौधे हैं। इन पौधों की अधिक केयर करनी पड़ती है और गर्मी के मौसम में इन पौधों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देसी कलांचों के पौधे तो गर्मी के मौसम में बच जाते हैं, मगर इन पौधों को बचाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में बस मैं आपको यही पौधे दिखा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।